धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान, स्वागत है आपका हमारे आज के संवाद में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं फेमस यूट्यूबर गौतम खट्टर। लेकिन इतना याद रहे, कफन में जेब नहीं होती। जब आप जाएंगे तो सब यहीं रह जाने वाला है। आपकी बड़ी बिल्डिंग, आपकी ऑडी कार, आपकी BMW, आपके ये बड़े बड़े मकान, आपके जो ये जेवरात, ये पैसे, ये सोना, सब यहीं रह जाने वाला है। आज आभूषण के पीछे लोग पागल हो रहे हैं। किसी को डायमंड की चैन चाहिए, पत्नी को अगर पति ने डायमंड की चैन नहीं दिलवाई करवा चौथ के दिन, तो पत्नी ने बेलन से पति को पीट दिया। ऐसी ऐसी खबरें अखबार में पड़ी जाती हैं। पत्नी ने डिमांड करी कि मुझे सोने की चैन चाहिए थी, पति ने नहीं दिलवाई तो पत्नी मायके भाग गई। पत्नी ने कहा था कि मुझे मंगलसूत्र चाहिए था सोने का, पति नहीं दिलवा पाया तो पत्नी घर छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ भाग गई। तो ये क्या है? ये सेटिस्फैक्शन का भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो समझ नहीं है, वो सोच नहीं है। और चाणक्य ने कहा है कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। ये जो भूषणों के पीछे लोग भाग रहे हैं, आभूषणों के पीछे भाग रहे हैं, डायमंड के पीछे भाग रहे हैं, सोने के पीछे भाग रहे हैं, चांदी के पीछे भाग रहे हैं, हीरों के पीछे भाग रहे हैं, जवाहरातों के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सी फिलॉसफी दी है कि हस्तस्य भूषणम दानम। हाथों के जो भूषण हैं वो कंगन नहीं है, वो चूड़ियाँ नहीं है, वो सोना नहीं है, वो दान है। सत्यम कंठस्य भूषणम, ये बड़ी बड़ी चैन, ये बड़े बड़े मंगलसूत्र कंठ के भूषण नहीं है, सत्य बोलना ही कंठ का भूषण है। श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, ये बड़े बड़े झुमके, ये बड़ी बड़ी बालियां, टॉप्स, ये कान के भूषण नहीं है, अच्छे शास्त्रोक्त विचारों को सुनना ही कानों का भूषण है। तो जब इतने अच्छे अच्छे आपके पास आभूषण है तो भूषण की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन इस फिलॉसफी को कोई समझ नहीं रहा। इस फिलॉसफी को समझ ले तो डिवोर्स होना बंद हो जाए, लड़ाइयाँ होना बंद हो जाए, झगड़े होना बंद हो जाए, सारी प्रॉब्लम का हल निकल जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि फैमिली टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है, तो टीवी सीरियल्स की तरह एक आम लाइफ हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल भाई, आप देखो कि सुबह से शाम तक जो महिलाएं, जो सास, जो बहुएं टीवी में देख रही हैं, ससुराल, गेंदा फूल, सास भी कभी बहू थी, अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास बहू और साजिश, कुमकुम भाग्य, सास बहू और बेटियां, सास बहू और लड़ाइयां, इन सब सीरियल्स में, इन छोटे पर्दों के सभी नाटकों में एक चीज कॉमन है, और वो है सास और बहू का झगड़ा। सास मनी मन में बहू को गाली दे रही है, बहू सास को गाली दे रही है, सास अपनी दोस्तों के साथ बहू की बुराई कर रही है, बहू अपनी दोस्तों के साथ सास की बुराई कर रही है। सब सीरियल में आप देखो गौर से, इन सभी सीरियल में जितने GTV पे आ रहे हैं, स्टार प्लस पे आ रहे हैं, कलर्स पे आ रहे हैं, इन सभी सीरियल में एक चीज कॉमन है, सास बहू के झगड़े, सास बहू के कॉन्फ्लिक्ट। और जो महिलाएं जब घर में दिन भर ये देखती रहती हैं तो वो यही करती हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, धीरे धीरे हम वैसा ही बन जाते हैं, वही सास, इसीलिए तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। पहले ये सब सीरियल, ये नाटक, ये नौटंकी बोलते हैं ना, क्या क्या कर रही हो, मैं नाटक देख रही हूँ टीवी पे, ये नाटक ही है, नौटंकी है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। और उस नाटक को देखने के बाद फिर उसी नाटक को कॉपी करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है, सेम वो सास बहू और साजिश फिर घर में चलने लगता है। बड़े पर्दे की बात करो तो गाने कितने गंदे हो गए, गाने इतने गंदे हो गए कि चोली के पीछे क्या है, कांटा लगा उई माँ, चार बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, और यही हो रहा है, चार बोतल वोडका पी रहे हैं, रोज इनका चल रहा है, मेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तुझे खाना पड़ेगा। अरे तेरी माँ ने बनाया भोले क्यों खाएंगे, वो तेरे चूरमे के मोहताज नहीं है भाई, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, डैड मम्मी है नहीं घर पे, हम कुछ भी कर लें। तो ये इतने इलॉजिकल गाने हो रहे हैं, और आप देखो इसी को तो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब सेंसलेस गाने जिनके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। ऐसा ही पिक्चर्स में हो रहा है, मूवीज़ में हो रहा है, रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, मूवीज़ का कोई वास्ता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और उसी को देख करके माइंड वैसा ही काम कर रहा है। कुछ अच्छी चीज़ें, पहले क्या होता था, रामायण देखते थे, महाभारत देखते थे, चाणक्य देखते थे, अब कौन देख रहा है चाणक्य, अब कौन देख रहा है रामायण, कौन देख रहा है महाभारत, कौन देख रहा है, पढ़ रहा है भगवद गीता। जब वो अच्छी चीज़ें लाइफ में देखेंगे नहीं, फॉलो ही नहीं करेंगे, तो लाइफ में वो घटित ही नहीं होंगी। लाइफ में क्या होगा, चार बोतल बोर्ड का, राज मेरा, काम मेरा रोज का, दारू, मतलब अब दारू तो हर गाने में कॉमन हो गई है,
तो जब दारू दारू दिन भर देसी दारू तीन पैग ये सब देखते रहेंगे तो यही चीज़ें तो फॉलो होंगी। आज यूथ को इसको समझने की ज़रूरत है कि आप जाने अनजाने में गर्त में जा रहे हैं, और ऐसा गर्त है कि जहाँ पर आप एक बार गए तो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा हम देखते हैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है कि अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, मानो कि मुझे ही नहीं आती है, तो मुझे किसी कहीं जाते हुए ऐसा शेमफुल फील होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो लोग दबाते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ है, इसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? ये क्या है, आजकल एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी बन गई है। आज इंग्लिश को लोगों ने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बना लिया है, साक्षरता का भी पैरामीटर बना लिया है कि मैं लिटरेट तभी कहाऊंगा जब मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, रशिया के लोग रशियन बोलते हैं, अमेरिका के लोग अपनी भाषा बोलते हैं, चाइना के लोग अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते, वो चाइनीज बोलते हैं, सब देश अपनी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन भारत क्या बोलता है, नहीं 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 अंग्रेजी 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 के पीछे पागल हो रहे हैं। आप अपनी भाषा पर गर्व नहीं कर रहे, और यही तो कारण है कि आज हम आध्यात्मिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से सांस्कृतिक रूप से पिछड़ने का कारण क्या है? आज मुसलमान अपनी भाषा जानता है, वो उर्दू जानता है इसलिए कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है इसीलिए अपनी संस्कृति को जानता है, अपनी संस्कृति को जानता है वो पालन करता है। आज बाइबल पढ़ता है ईसाई क्योंकि वो अपनी अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से जानता है जिसमें बाइबल लिखी हुई है, और वो उसको पढ़ता है, उसको समझता है और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, फॉलो करता है। आज कोई भी सिख पंजाबी जानता है, गुरु ग्रंथ साहब, वो उसको पढ़ता है, लाइफ में फॉलो करता है और अपने को कहता है कि मैं हूँ कट्टर सिख, मैं हूँ कट्टर मुसलमान, मैं हूँ कट्टर ईसाई, लेकिन हिंदू ना, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, हिंदी नहीं जानते। छोटे से बच्चे को जब बचपने से ही अंग्रेजी में मात उतला तुतला के बोलने लगेगी, बेटा डोंट डू डैट, प्लीज़ कम हेयर, गो देयर, मतलब पब्लिकली बड़ा शौक से वो दिखाती है कि देखो मेरा बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। कुत्ते के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं, कुत्ते जो घर में कुत्ते होते हैं कुत्ते के साथ अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी में ऐसा गर्व फील कर रहे हैं। अरे ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन ये भी सोचिए कि जो आपकी संस्कृत भाषा है, जो आपकी हिंदी भाषा है, वो अपने आप में बहुत विशाल है, वो बहुत गहरी है, जिसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग इसको समझना नहीं चाहते, इसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझना चाहते। आज विदेशी लोग संस्कृत सीख रहे हैं, आपको मैं बताऊं, आज जर्मन के कई विश्वविद्यालयों में संस्कृत जो लैंग्वेज है वो अल्टरनेट के तौर पे सिखाई जा रही है, लेकिन भारत में संस्कृत लैंग्वेज नहीं है। भारत के लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या सीख रहे हैं? जर्मन सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हो भाई? क्यों नहीं जी, फ्रेंच बोलेंगे हम जर्मन बोलेंगे। अरे जर्मन वाले संस्कृत बोल रहे हैं, फ्रांस वाले संस्कृत बोल रहे हैं, अमेरिका वाले संस्कृत बोल रहे हैं, तुम फ्रेंच सीखोगे, तुम जर्मन सीखोगे? ठीक है, भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन अपनी भाषा के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि जो मुसलमान है वो गर्व से कहता है कि वो मुस्लिम है और वो अपने फॉलो करता है उसको, सिख फॉलो करते हैं, ईसाई फॉलो करते हैं, तो हिंदू में जो आपने कहा कि ये गर्व से नहीं कहते हैं, पर आजकल देखने को मिल रहा है कि ये कट्टर हिंदुवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ नहीं रहा है, इसका एक हवा बन रहा है, क्योंकि कट्टर हिंदू की परिभाषा अभी लोग समझते नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब वो नहीं जो भगवा पगड़ी पहन ले, भगवा तिलक लगा ले, भगवा गमछा ओढ़ ले और सड़कों पे निकल जाए डंडे लेकर के, लाठियां लेकर के, तलवार लेके, वो कट्टर हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू वो भी नहीं है जो सबको कट कर देता है, कट 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 कट, मुसलमानों को कट कर दो, ईसाइयों को कट कर दो, अन्य यहूदियों को कट कर दो, अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय के हैं सबको कट 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 कर दो, वो कट्टर हिंदू नहीं है। कट्टर हिंदू का अर्थ क्या है? कट्टर हिंदू का अर्थ यह है कि जो अपनी संस्कृति को जानता हो, सभ्यता को समझता हो, परंपराओं का पालन करता हो, जो गीता को थोड़ा बहुत जानता हो, वेदों को जानता हो, अपने गूढ़ रहस्यों को समझता हो और अपने जीवन में धारण भी करता हो, वो कट्टर हिंदू होता है। कट्टर हिंदू की ये परिभाषा है कि आप अपनी संस्कृति को कितना जानते हैं। पता चला आपको कोई पूछे चलो गीता के दो श्लोक सुनाओ, तो आप बगले झांकने लगे, करने लगे, नहीं, को पता होना चाहिए। आज इस्लाम वाले लोग जानते हैं उनकी कुरान में क्या लिखा है, आज ईसाई लोग जानते हैं उनकी बाइबल में क्या लिखा है, आज सिख लोग जानते हैं कि उनके गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, लेकिन हिंदू लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उनसे पूछो कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, बोले गीता है, दूसरे से पूछो रामायण है, तीसरे से पूछो महाभारत है, चौथे से पूछो उपनिषद है, पाँचवें से पूछो दर्शन है, छठे से पूछो वेद है, पता ही नहीं धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म ग्रंथ किसको कहते हैं।
लेकिन उनको सबको अपने कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। आपको अपनी संस्कृति के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप कहेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टर हिंदू का मतलब ये नहीं कि हर हर महादेव के नारे लगाए और आप कट्टर हिंदू बन गए, नहीं, वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमारे वेद में एक मंत्र आया है कि अग्रतश्चतुर वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षित ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, एक हाथ में शांति, एक हाथ में क्रांति, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। दोनों चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चला कि तलवार तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो सामने वाला आपको दो चार ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगा आपके धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, कि आप पजल हो जाओगे। तो ये कट्टर हिंदू है, वो कट्टर हिंदू नहीं है जो कट करने की बात कर रहा है। तो जैसे आपने ग्रंथों की बात करी, गीता की बात करी, तो उससे मेरा एक पर्सनल सवाल आता है कि जो गीता है उसको समझने में तो उसमें ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, बहुत लोगों का सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो ज़रूरी बात वो है कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि आज ठान लिया हम गीता पढ़ेंगे, गीता ले आए, पता चला 10 चैप्टर एक ही दिन पढ़ दिए, नहीं, ऐसे समझ में नहीं है। वो बहुत फिलोसफिकल चीज़ है, वो बहुत डीप नॉलेज है, वो बहुत हायर लेवल का ज्ञान है। आप एक दिन में 10 दिन का राशन खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, हद से हद चार रोटी, पांचवी रोटी जब आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे। और आप सोचो कि मैं 20 श्लोक एक दिन में पढ़ लूँ, 5 अध्याय एक दिन में पढ़ लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। आप दो दो श्लोक, तीन तीन श्लोक एक एक दिन में समझिए, पढ़िए और उसके डेप्थ को समझिए, तब आपको पता चलेगा। जब हम एक ही बार में पढ़ने लगते हैं सब चीज़ें जो है सिर पे से उतर जाती हैं। बहुत डीप ज्ञान है। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले समझने में आदमी को कितने दिन लग जाते हैं, पूरे साल गुजर जाता है तो भी ए प्लस बी और उसका ये सब होल स्क्वायर और ये सब नहीं सीख पाता। तो ये तो बहुत फिलोसफिकल चीज़ है। और अब तो अमेरिका ने इसको स्वीकार कर लिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि जो गीता है वो दुनिया का वो मैनेजमेंट बुक है जो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फिलॉसफी है, प्रिंसिपल्स हैं, वही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल गीता में आज से 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दे दिए थे, और वो मॉडर्न प्रिंसिपल आज मैनेजमेंट लेकर के आया है। इतना एडवांस है हमारा जो गीता का ज्ञान है। तो एक दिन में समझ में नहीं आता, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो गौतम जी, जैसे हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बातें होती है, बहुत सारे मतलब चलाए जा रहे प्रोग्राम्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस टाइप के, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं, पर क्या है कि सिस्टम तो वही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि कहीं सारी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि सिस्टम जो का तू है, डॉरी सिस्टम है, ये सब सेम चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ये स्वाभाविक सी बात है कि अब आधुनिक भारत में हर चीज़ के दो फेजेज हो गए हैं। एक तो वो कि पोस्टर सिस्टम चल रहा है, पोस्टर में लिख दिया दहेज प्रथा बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारे दे दिए, नो रेप्स, मतलब इस तरीके के बहुत सारे स्लोगन दे दिए, सेव गर्ल, सेव फलाना, सेव ढिकाना। लेकिन जब रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो बैकफुट पे है। आप देखो कि हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें देवियों की सबसे ज़्यादा पूजा है, भगवती, सरस्वती, गायत्री, 9 दिन पूरा देवियों पर निर्धारित है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस तरीके के सूत्र हैं। आँख हो बे शर्म तो फिर व्यर्थ घूंघट क्या करेगा, आदमी नंगा हुआ है सभ्यता के आवरण में, जी रहे हैं आज हम इस कौन से वातावरण, शेर भूखे सो रहे हैं घर गधों के खीर पकती, शेर भूखे सो रहे हैं घर गधों के खीर पकती, सीखती है गीत कोयल बैठ कौओं की शरण में, जी रहे हैं आज हम इस कौन से वातावरण में। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका। तो दर्शकों, आपको कैसा लगा हमारा ये संवाद? गौतम जी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बताया, यूथ स्पेशली यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा बात हुई, धर्म से रिलेटेड बात हुई। तो आपको हमारा संवाद कैसा लगा और गौतम जी की क्या बात आपको पसंद आई, उनके क्या विचार आपको अच्छे लगे, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, नए शख्स के साथ। धन्यवाद।